आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चलें चलते हैं ताजा खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन और ज्ञापन। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए बनाए गए विधेयक को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। इसका विरोध संसद से शुरू हुआ, अब सड़कों पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के द्वारा विशेष रूप से किसको मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगामी सन 2022 के विधानसभा चुनाव की दृष्टिगत चुनावी रणनीति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आह्वान किए जाने के बाद आज सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जिला अध्यक्ष छोटेलाल यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन करते हुए अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज के कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी अमेठी के माध्यम से भेजने के लिए गौरीगंज तहसील के उपजिला अधिकारी सुजीत कुमार मौर्य को सौंपा। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम की रिपोर्ट। महोदय, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की नीतियों से किसान और श्रमिक के हितों का गहरा आघात लग रहा है। इस नीतियों से कारपोरेट घराने को ही फायदा होगा, जबकि किसान और श्रमिक बदहाली और बढ़ेगी। कृषि किसान के साथ श्रमिक ही कठिन समय में देश की अर्थव्यवस्था को संभालता है, पर अब अन्नदाता को कोई हर तरह से उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। यदि समय रहते कृषि श्रमिक कानून वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश में खेती बर्बाद हो जाएगी, श्रमिक बंधु बधुआ बंधु बनकर रह जाएंगे। किसान के संबंध में भाजपा सरकार की रवैया पूर्णतया अन्यायपूर्ण है। वह खेतों में किसान का मालिकाना हक छीनना चाहती है। इससे MSP सुनिश्चित करने वाली किसानों का अभी तक 13,000 करोड़ रुपए बकाया है। किसान को फसल की लागत से ब्योरी कीमत देने वाली देने आय दुगनी करने और सभी कर्जे माफ करने के वादे हवा में रह गए तो भाजपा नेतृत्व के किसानों के समर्थन में दिए गए भाषणों पर कौन भरोसा करेगा। प्रदेश में आवारा पशु किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं। खेत मालिक चौकीदार बनकर रात रात भर खेतों